टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा और राजीव सेन के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। साल 2019 में इन्होंने ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच अनबन होने की खबरें आने लगी। बाद में चारू असोपा ने राजीव सेन से अलग रहने का भी डिसीजन लिया। हालांकि बीच बीच में कुछ पल ऐसे भी आए जब दोनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रहने का फिर से डिसीजन लिया था, लेकिन लड़ाई झगड़ों के चलते फिर अलग हो गए। अब कुछ महीने से चारू असोपा और राजीव सेन के रिश्ते में दरार पड़ी है। एक्ट्रेस ने खुलेआम राजीव सेन से तलाक की डिमांड की है। उन्होंने राजीव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चारू असोपा का कहना है कि वो इन पर शक करते हैं और उनकी लाइफ को राजीव ने हेल बनाकर रख दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, हाल ही में एक इंटरव्यू में राजीव ने चारू असोपा और करण मेहरा के रिलेशनशिप की बात सामने रखी थी। दोनों अफेयर में है ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन चारू असोपा और करण मेहरा दोनों ने इस खबर पर रिएक्ट करते हुए अपने रिश्ते के बारे में सफाई दी है। चारू ने सोशल मीडिया पर राजीव सेन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक रील पोस्ट की। इस रील में वो अपनी बेटी जियाना के साथ हैं। रील में चारू कुछ खुश दिखाई दे रही हैं और वो कहती नजर आती हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना, इसलिए खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो और जो नहीं देता है उसकी परवाह मत करो। सीधा सीधा चारू असोपा ने ताना राजीव सेन को मारा है। राजीव ने जब उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई और उनका नाम करण के साथ जोड़ा, तब भी एक्ट्रेस का गुस्सा फूटा था। उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीविजन से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।